हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू विल बी फाइन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशन फर्स्ट। तो देखें स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? द इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू शो डैट द इक्वेशंस। ये थ्री इक्वेशंस गिवन है। क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं रख रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन रख रहे हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस रख रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या है? गिवन डेट क्या गिवन है? ये गिवन है 2x + 3y +5z इक्वल टू 9, 7x + 3y -2z इक्वल टू 8, 2x + 3y +λz इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, 2, 3, 5, 7, 3 -2, 2, 3 λ। हमारे पास में वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं? x, y, z। यहां से देख सकते हैं, x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल इक्वल टू हमारे पास में 9, 8 μ, 9, 8 μ। ये हमारे पास में क्या है? देखें, आगे सॉल्व करते हैं इसके लिए। अब हम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में किस फॉर्म में आ गई? AX = B। तो A क्या है? ये मैट्रिक्स है। X मैट्रिक्स कौन सी है? ये वाली, ये कैपिटल X लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये B मैट्रिक्स है। तो हम एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट सी मैट्रिक्स लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, ए और बी मैट्रिक्स की हेल्प से बनाएंगे इसके लिए। तो हमारे पास में सी मैट्रिक्स क्या हो गई? देखिए, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 3 -2, 2, 3 λ। ये हमारे पास में, और बी मैट्रिक्स का 9, 8 और ये म्यू लिया जाएगा यहां पर। अब इसके लिए जो है वो जो रैंक निकालने के लिए ट्रायंगुलर फॉर्म का मेथड यूज करते हैं उसका यूज करेंगे। उस ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और रो ट्रांसफॉर्मेशन करके किस प्रकार से स्टूडेंट्स करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रो ट्रांसफॉर्मेशन करके, जैसे मेरे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स और यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं। देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और हमारे पास में 3 रोज हैं। तो 3 रोज ले लिए और 4 कॉलम ले लिए। मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाऊंगा, फिर इस एलिमेंट की हेल्प से इसे 0 बनाते हैं। बस इस के नीचे हमारे पास में कोई रो नहीं है कि उसे 0 बनाया जा सकता। तो इतना वर्क करते हैं। तो इसे वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसकी हेल्प से इस रो के, इस सेकंड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे और थर्ड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो क्या चेंज करेंगे? देखिए, सेकेंड रो में क्या चेंज करेंगे? सेकेंड रो क्या है? सेकेंड रो में हमारे पास 7। तो ये 7 कब बनेगा? 2 है, 7 कब बनेगा? 7/2, 7/2 लिख दें तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7। तो सेकेंड रो में से माइनस करेंगे फर्स्ट रो को,
इससे 7/2 से मल्टीप्लाई करके ये बार करेंगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और 7 में से माइनस करने पर ये 0 हो जाएगा। थर्ड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, इसको 0 बना लिया, इसको 0 बनाएंगे। तो कैसे 0 बनाएंगे, देखिए थर्ड रो में से क्या करते हैं, फर्स्ट रो ऐसे ही माइनस कर दें, 2-2 0 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। सी के इक्विवेलेंट हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगी, सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिली, फर्स्ट रो इज नॉट चेंज्ड। तो देखिए 2, 3, 2, 3, 5, 9 फर्स्ट रो एज इट इज कर दिया। अब हम सेकंड रो को लेते हैं, 7, 3, 7, 3, -2, 8 ये रेफर कर रहा हूं, और इसे क्या करा, 7/2 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करा तो 7 आ गया, 3 को 7/2 से मल्टीप्लाई करा तो 21/2 आ गया, 5 को 35/2 आ गया, और 9 को तो 7 9s are 63/2 आ गया। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट साइन चेंज कर लेंगे, 0 और यहाँ 3-21/2 2 LCM 6-21 तो -15/2 आया, -15/2 आया, ये क्या आया हमारे पास में, -2 -35/2 2 LCM -4 -35 तो -39/2 और यहाँ स्टूडेंट्स क्या आया, 8-63/2 तो 2 16-63 63 में से 16 माइनस करा से 13 में से 6 माइनस करा 7 यहाँ 5 रह गया, 5 में से 1 माइनस किया 4 और ये काय का बचा, माइनस का, -47/2 तो ये मेरे पास में मुझे क्या प्राप्त हो गए, सेकेंड रो 0 0 -15/2 -15/2 -39/2 और ये -47/2 देखते हैं आगे की वर्क सही कर रहा है कैमरा या गड़बड़ तो नहीं कर रहा है कुछ भी। तो देखें स्टूडेंट्स सब कुछ सही चल रहा है, आगे देखते हैं आगे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। इसके लिए अब थर्ड रो को चेंज करेंगे, किसे, थर्ड रो को चेंज करेंगे, तो थर्ड रो को इसके प्रकार से चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स बस लगे रहिएगा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। देखते हैं थर्ड रो को किस तरीके से, थर्ड रो एज इट इज उतारें, 2 3 2 3 लैम्डा 2 3 लैम्डा म्यू और इसमें से क्या करें, फर्स्ट रो को माइनस करें, 2 3 5 2 3 5 यहाँ क्या है 5 2 3 5 और ये 9 तो यहाँ क्या आया हमारे पास में, माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये 0 ये 0 ये लैम्डा -5 ये म्यू -9 तो क्या आया थर्ड रो 0 0 लैम्डा -5 और ये म्यू -9। अब देखें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व होने की ओर पहुंच गया। अब हमारे पास में फर्स्ट केस में क्या है,
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं पर चाहिए। तो कोई सॉल्यूशन ना हो तो उस पीरियड में क्या होगा, डेट एम्प्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए किसके, रैंक ऑफ सी या मैट्रिक्स सी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी। तो ये रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैमरा देख लेता हूँ एक बार, चेक करके कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हो, गड़बड़ कर जा रहा तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो देखें स्टूडेंट्स, सही चल रहा है सब कुछ। अब हमारे पास में रैंक ए की और रैंक सी की इक्वल ना हो, तो ए की और सी की इक्वल नहीं होगी। जैसे रैंक ए की 2 हो जाए, ये ए के ही तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है और ये पूरी सी ली है, तो अगर ये लैम्डा माइनस 5 हमारे पास में 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ए की रैंक क्या हो जाएगी, नॉन जीरोज रोज क्या हो जाएंगी, 1 2 2 नॉन जीरो रोज हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगा। तो लैम्डा माइनस 5 0 लेने पर हमारे पास में ए की रैंक हो जाएगी 2 और एंड सी की रैंक 2 ना हो तो म्यू माइनस 9 जो है वो 0 ना हो, ये 0 नहीं होगा, कुछ और होगा। तभी तो देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 नहीं है, ये कुछ है। तो नॉन जीरो रोज क्या होंगे सी के लिए, पहली रो भी नॉन जीरो है, दूसरी रो भी नॉन जीरो है, तीसरी रो भी नॉन जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे पास में कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 9, ये हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशंस आए इस केस के लिए, नो सॉल्यूशन। अगर लैम्डा की वैल्यू 5 हो जाए और म्यू की वैल्यू 9 के अलावा कुछ भी हो जाए, क्योंकि 9 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, दोनों की रैंक इक्वल हो जाएगी, 9 के अलावा कुछ भी हो जाए, जैसे 8 ले लिया, 8 माइनस 9 माइनस 1 हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगी, 10 ले लिया, 10 माइनस 1 1 हो जाएगा, नॉन जीरो हो गया। हमारे पास में 15 ले लिया, 15 माइनस 9 हमारे पास में 6 आ गया, और क्या हो गया, यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में नॉन जीरो रो बना देगा। अब हमारे पास में सेकंड केस क्या है, सेकंड केस के लिए है हमारे पास में आ यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए सेकंड केस को लेते हैं, इसे हटा देते हैं, सेकंड केस के लिए हमारे पास में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन सेकंड केस, यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स जानते होंगे आप लोग कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और यूनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल होनी चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी
इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स मीन्स वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने हैं? सबसे पहले वेरिएबल फाइंड आउट करें। एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल्स हैं, थ्री। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू होनी चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल टू थ्री। थ्री होनी चाहिए, तो थ्री के लिए स्टूडेंट्स तभी होगी ए मैट्रिक्स की रैंक थ्री कब होगी, जब नंबर ऑफ नॉन जीरोस थ्री हो जाए। तो लैम्डा माइनस फाइव क्या हो जाए, हमारे पास में जीरो ना हो। तभी तो देखो ये नॉन जीरो हो जाएगी ए के लिए, ये नॉन जीरो, और लैम्डा माइनस फाइव की वैल्यू जीरो ना हो तो ये नॉन जीरो होगी। तो लैम्डा माइनस फाइव डेट एम्प्लाइज लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू नहीं होना चाहिए जीरो के। एंड हमारे पास में जो है वो म्यू माइनस नाइन की वैल्यू भी हमारे पास में क्या नहीं होना चाहिए, नाइन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। चेक कर लेता हूं एक बार कैमरे को। देखिए स्टूडेंट सही चल रहा है सब कुछ। तो म्यू माइनस नाइन भी हमारे पास में जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं आगे हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू नाइन, ये दो सोल्यूशन आए। तो देखें अगर स्टूडेंट्स हम क्या कर लें, यहां पर जो है लैम्डा की वैल्यू फाइव रख दें तो ये जीरो हो जाएगी, म्यू की वैल्यू नाइन रख दें ये जीरो हो जाएगी, और रैंक ए की भी टू हो जाएगी और रैंक सी की भी टू हो जाएगी, तो जो अननोन से कम हो जाएगी, थ्री से कम हो जाएगी। तो हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू फाइव के अलावा कुछ भी ले लें, फाइव के अलावा मैंने एट ले ली, एट माइनस फाइव थ्री हो गया। तो हमारे पास में ए की रैंक क्या हो गई, हमारे पास में नंबर ऑफ, यहाँ पर थ्री आ गया, नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो थ्री हो गई हमारे पास में। अब हमारे पास में म्यू माइनस नाइन, म्यू माइनस नाइन हमारे पास में स्टूडेंट्स जीरो नहीं लें तो म्यू की वैल्यू नाइन के बराबर हमारे पास में नहीं है। तो म्यू की वैल्यू नाइन के अलावा कुछ भी रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये जीरो नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में और एक सलूशन भी हो सकता है इसमें, लैम्डा माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो होना ही चाहिए, एंड म्यू माइनस नाइन की वैल्यू अगर जीरो हो रही है, ये म्यू माइनस नाइन की वैल्यू ये जीरो हो जा रही है, तो अभी तो हमारे पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जीरो हो गया, लेकिन हमारे पास में ये जीरो नहीं हुआ। तो हमारे पास में नॉन जीरो जीरो ये भी रही, ये भी रही, ये भी रही। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड म्यू इज इक्वल टू नाइन, तो ये भी हमारे पास में इसका एक सलूशन है। आगे देखते हैं थर्ड केस, देखते हैं थर्ड केस क्या कह रहा है, इससे हटाते हैं तो दोनों ये सलूशन होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड केस क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है, बस इजी क्वेश्चन था, बट दिस क्वेश्चन इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट इट। तो देखिए स्टूडेंट्स ये पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए और हमारे पास में जो
सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये वैल्यू रैंक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स। तो अननोन्स कितने हैं हमारे पास में, 3 एक्स बाई जेड। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में 3 से कम होनी चाहिए, दैट एम्प्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी शुड बी लेस देन 3, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो रैंक 2 बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, ए की रैंक 2 बनाने के लिए इसे 0 लेना पड़ेगा और सी की रैंक 0 बनाने के लिए इसे 0 लेना पड़ेगा। तो दैट एम्प्लाइज लैम्डा माइनस म्यू 5 इक्वल टू 0 होगा एंड म्यू माइनस 9 भी 0 होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इज इक्वल टू 9, इस केस के लिए सोल्यूशन आ गया। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और कमेंट्स द्वारा जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वीडियोस को आप किस तरीके से ले रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या अनलाइक कर रहे हैं, कमेंट्स द्वारा जरूर प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।